और कितना अच्छा व्यू आ रहा है, एकदम क्लैरिटी आ रही है फोन में भी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज हम देखते हैं कि मम्मा सबसे पहले तो किचन में क्या कर रही हैं। हाँ मम्मा, आपने आज बनाया क्या है? आज मैं आप लोगों के लिए पास्ता बनाया हूँ, क्योंकि आप लोग सिंपल खाना तो खाते ही हैं, तो डेली आप लोगों को कुछ ना कुछ डिफरेंट चाहिए होते हैं, तो इसलिए आज पास्ता बना। ओके तो जरा देखते हैं कि पास्ता की क्या तैयारी चल रही है। फिलहाल तो यहाँ पे मम्मा ने पास्ता बॉईल करके रख दिया है, और अभी मम्मा ने कॉफी बनाई थी, तो इसलिए फिर कॉफी के लिए भी यहाँ ये जार रखा हुआ है, कॉफी बनाई थी तो। और यहाँ पर ये कढ़ाई चढ़ाई हुई है गैस पे, जिससे पास्ता तैयार होगा। और यहाँ पर ये प्याज भी कट चुके हैं। अभी क्या आपको डस्टिंग के लिए बोलना था, वो कर दी थी क्या आपने? हाँ, जो टेबल गंदा था कर दिया था आपने क्लीन? हो स्पार्कल से क्लीन कर देते हैं ना, उससे ज्यादा अच्छे से क्लीन हो, एकदम से क्लीन होगा। हाँ मैंने स्पार्कल से तो कर दिया था, उसमें एकदम से क्लीन हो जाता है ना। हाँ, और मैंने फ्रिज भी उससे कर दिया था। अच्छा, तो मुझे डस्ट भी नहीं आती ना, एक दिन डस्टिंग करो, दो तीन दिन की छुट्टी हो जाती। हाँ, ये हाँ, मैंने भी देखा था, वो एकदम साफ हो गई थी टेबल। तो ऐसे ही कुछ इसके डेली रूटीन के प्रोडक्ट आपके पास होंगे? हाँ। ऐसे ही अलग अलग तो उनके बारे में थोड़ा बहुत बताओ कि मतलब किस तरह के प्रोडक्ट थे। जैसे कि ग्लास की कोई आइटम साफ करनी है तो उसके लिए स्पार्कल है, उसके ग्लास के ऊपर जो फोगा जाती है ना विंटर में भी, या जैसे हम लोग एसी से बाहर निकलते हैं गाड़ी में से, तो हमारे स्पैक्स पे या उससे जो फोग आ जाती है, तो ये जो स्पार्कल है ना उससे भी फायदा करता है। एक बार स्पार्कल से अगर हम अपना स्पैक्स क्लीन करके जाते हैं ना, और फिर अगर हम गाड़ी से बाहर निकलते हैं, तो 3-4 घंटे तक ये लगाओ बाहर आने के बाद वो धुंधला नहीं होता। नॉर्मल जो हमारा स्पैक्स होता है ना, जब हम गाड़ी से बाहर निकलते हैं एसी से बाहर आते हैं, तो एकदम से वो ब्लाइंड हो जाता है, फोगा जाती है। घर में कोई भी कांच की आइटम है, जैसे ग्लास वाली आइटम है, उसको पार करके क्लीन करो, बिल्कुल नहीं चमकना शुरू हो जाता है। ओके, ये था स्पार्कल के बारे में, जिससे कि मैंने आज टेबल और फ्रिज साफ किया था। तो जैसा कि देख सकते हो यहाँ पर कोई भी डस्ट पार्टिकल्स नहीं है, यहाँ पर भी कैमरे में आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप खुद यूज़ करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। अगर आपको ये परचेज़ करनी है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये देखिए टेबल भी एकदम क्लीन हो चुकी है, कैसे ट्यूबलाइट की रिफ्लेक्शन तक इस पर आ रही है। और मैंने अभी इसका मोबाइल की डिस्प्ले भी इससे साफ़ की थी, तो वो भी इतनी अच्छी आ रही है, उसका भी डिस्प्ले इतना अच्छा आ रहा है। मैं आपको फ्रंट कैमरा दिखा देता हूँ जो मैंने साफ़ किया था। ये देखिए फ्रंट कैमरा का व्यू भी कितना अच्छा आ रहा है, इससे आपको लग ही रहा होगा कि फ्रंट कैमरे का लेंस कितना साफ़ हो गया है यहाँ पे, और कितना अच्छा व्यू आ रहा है, एकदम क्लैरिटी आ रही है फ़ोन में भी।